होता रहा, मैं पहले बोल के फिर तुमसे। Assalamualaikum, it's me Haider Ali, 18 Aaron 1947 as a agriculture student. तो मैं आज फील्ड में आया हुआ हूँ, ठीक है। तो फील्ड में मैं मतलब मेरे साथ एक फार्मर हैं, तो मैं इनसे इनका मतलब कि इशू के फील्ड फसल के इशू के बारे में पूछूंगा और मैं इनको रिकमेंड करूंगा कि ये इनको क्या करना चाहिए आगे। तो ये अपना नेम बताएंगे और मसला बताएंगे जी। मेरा नाम मोहम्मद बशीर है। हमारी कपास को जो वायरस जो है ये ज़्यादा लगी हुई है, वायरस का मसला बहुत ज़्यादा बना हुआ है। तो जी, जैसे कि आपने मतलब कि ये देखा भी और इनसे सुना भी कि इनकी फसल को मतलब कि ज़्यादा मसला वायरस का है, तो ये हमें बता रहे थे कि वायरस में इनको जो लॉस होता है वो मतलब कि 20-30% इनका ड्यू टू वायरस लॉस होता है। तो जी, मैं आपको बताऊंगा कि आपने जो वायरस का मसला है इसमें, तो आपने सबसे पहले अपनी कपास को जो इसकी खुराक है मतलब कि पानी है और खाद जो आप दे रहे हैं वो आपने इसको थोड़ी सी कम कर देना है, ठीक है। ज़्यादा नहीं, ज़्यादा डोज में इनको नहीं देनी, ठीक है, इसको कम कर देनी है। और जो इसको जो आपने मतलब कि इसको स्प्रे करनी है जिस चीज़ की, वो आप इसको अमेल्डा की करें, अमेल्डा क्रोपर की करें और नेमडा की करें स्प्रे, ठीक है। तो जिससे आपका ये वायरस जो है ये कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आपने क्या क्या करना है आप मुझे बताएंगे। इसको हमने अमेल्डा जी जी और लैम्डा का स्प्रे करना है जी, जिसकी वजह से ये काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगा, ठीक है। और पानी भी थोड़ा कम देना और खादें कम डालनी, ठीक है। तो जी, ये हमारे साथ मोहम्मद बशीर थे और ये एक फार्मर है, उनका इनका काटन का फील्ड है। तो इन्होंने हमें वायरस के बारे में बताया, ठीक है। तो हमने इनको रिकमेंड किया है और कुछ प्रिकॉशन बताई हैं कि जो किस तरह मतलब कि जो वायरस जो डिज़ीज़ है ये, इनसे मतलब कि अपनी फसल को बचा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा यील्ड हासिल कर सकते हैं। थैंक यू।